अपना घर खरीदना हम में से कई लोगों का सपना होता है। वी हैव अदर मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स एज वेल, लाइक बाइंग अ कार, वर्ल्ड टूर करना, स्पोर्ट्स बाइक खरीदना या एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन वेडिंग। अब जब इन ड्रीम्स को पूरा करने की बात आती है, नॉट फिलोसॉफिकली बट फाइनेंशियली, तो जस्ट नोइंग योर ड्रीम इज़ नॉट एनफ। अगर हम दो छोटी बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे ड्रीम्स के लिए डिफाइन कर दें, तो इन ड्रीम्स को फाइनेंशियली पूरा करने के लिए बहुत क्लैरिटी मिल जाती है। पहली, आपको अपना ड्रीम पूरा करने के लिए कितना पैसा चाहिए। दूसरी, आपको ड्रीम कितने साल में पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल, घर खरीदना इज़ अ ड्रीम, बट 5 करोड़ का घर खरीदना 5 साल बाद इज़ अ वेल डिफाइंड फाइनेंशियल गोल। मर्सिडीज़ खरीदना इज़ अ ड्रीम, बट 40 लाख की मर्सिडीज़ खरीदना 2 साल बाद इज़ अ फाइनेंशियल गोल। दुनिया घूमना इज़ अ ड्रीम, बट हर 2 साल में इंटरनेशनल वेकेशन पर जाना, जिसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख खर्चा होता है, इज़ अ फाइनेंशियल गोल। ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट नोइंग योर गोल्स आप ये नहीं पता कर सकते कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और कब से कब तक इन्वेस्ट करना है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप अपने सारे ड्रीम्स के लिए सेम जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। देयर इज़ नो वन बेस्ट स्कीम फॉर एवरीथिंग। डिपेंडिंग ऑन कि आपका गोल कितना दूर है, 2 साल दूर है, 5 साल दूर है, 15 साल दूर है, आप जहाँ इन्वेस्ट करेंगे वो टोटली अलग हो जाएगा। लाइक बहुत सिंपल सा फंडा है, जितना ज़्यादा दूर आपका गोल है आप उतनी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ। जैसे आपको 10 साल बाद घर खरीदना है, उसके लिए आप अपना पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट में भी डाल सकते हैं। बट 2 साल बाद गाड़ी खरीदने के लिए अगर आप अपना पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट्स में डालेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो सारे ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करने के बाद आपको या आपके फाइनेंशियल प्लानों को पता चल जाएगा कि आपका कितना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, ताकि जब जब आपकी लाइफ में आपके फाइनेंशियल गोल्स आएंगे उनके लिए रिक्वायर्ड अमाउंट अवेलेबल हो। और एक आखिरी बात, जब भी आप फ्यूचर गोल्स डिफाइन कर रहे हैं, आपको अमाउंट फ्यूचर का डिफाइन करना होता है। जैसे जो घर आपको 5 साल बाद खरीदना है, हो सकता है उस तरह का घर आज आपको 1 करोड़ में मिल रहा हो, बट 5 साल बाद क्योंकि इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी, सिमिलर तरह का घर आपको 1 करोड़ में नहीं मिलेगा। हो सकता है उस टाइम पे वो घर आपको 1.5 करोड़ कॉस्ट करे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 1.5 करोड़ या उस इन्फ्लेटेड कॉस्ट के लिए प्लान करें, नॉट द करंट कॉस्ट। एंड इफ़ यू हैपन टू हैव अ फाइनेंशियल प्लानर लाइक सेवन प्रॉस्पर, योर फाइनेंशियल प्लानर विल टेक केयर ऑफ द इन्फ्लेशन। आपको सिर्फ ये डिफाइन करना होगा कि आपका गोल आज की डेट में कितना कॉस्ट करता है। सो गाइस, कन्वर्टिंग योर ड्रीम्स इनटू फाइनेंशियल गोल्स इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग। आई होप आपको ये छोटा सा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझ में आया होगा। दिस वॉज अनमोल गुप्ता, योर होस्ट फॉर द शो मनी की बात, टॉकिंग अबाउट कन्वर्टिंग योर ड्रीम्स इनटू फाइनेंशियल गोल्स। डू सब्सक्राइब टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू।